टीडी कॉलेज चौराहा से हम चित्तू पांडे चौराहा की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकारी अलाव की कोई व्यवस्था नहीं है। सुबह के वक्त करीब 7 बज रहे हैं और काफ़ी कोहरा है और ठंड है, गलन है, हवा भी है। ऐसे में देखा ये गया कि लोग कूड़े में आग जलाकर ठंड से राहत लेते देखे गए, लेकिन सरकारी अलाव की जो व्यवस्था बलिया शहर और नगर में होनी चाहिए वो हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से सरकारी अलाव कहाँ कहाँ जल रहा है। अब हम चित्तू पांडे चौराहा की तरफ बढ़ गए, अब देख लीजिए। नज़ारा देखिए कि आखिर लोगों को ठंड से राहत कैसे मिले। बलिया में 1 जनवरी से आज 12 जनवरी है, लगातार ठंड है। हम चित्तू पांडे चौराहा पे आ गए, आइए यहाँ देखते हैं कि अलाव की व्यवस्था क्या है। लकड़ी है, लकड़ी है लेकिन और डालना मांगता। अच्छा है, और डाल मांग लेता है। लकड़ी है एकदम है नहीं, किसी तरीके से लोग राहत ले रहे हैं। चित्तू पांडे चौराहे पर चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, मजदूरी है, लकड़ी नहीं है ना। चलिए हम चित्तू पांडे चौराहा से जिला अस्पताल की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ भी देखा जाए क्या नज़ारा है। ओवरब्रिज के नीचे से चलते हैं, यहाँ सब्जी मार्केट है। सुबह के ही समय गाड़ियाँ यहाँ लगी हैं। सरकारी अलाव की व्यवस्था की स्थिति क्या है इसके बारे में जानकारी हासिल किया जाए। हाँ जी, आइए। एक आग तो जल रही है लेकिन क्या है इसको भी पता कर लिया जाए। हाँ हाँ क्या टायर जला है, क्या टायर जला है ना? नहीं नहीं, मछली वाला खूब नहीं आता है। अच्छा, वही क्यों, लकड़ी उकड़ी नहीं है क्या? नहीं दे रहा है कोई लकड़ी। हाँ चलिए, अब हम आ गए पानी टंकी चौराहा, जहाँ नगर पालिका परिषद का स्टोर रूम है, आवास है, उस चौराहे पर हम आ गए। नमस्कार, ये लकड़ी कहाँ से लाया आप लोगों ने? लकड़ी तो मंदिर पर से आई, मंदिर पर से आया है। ये लकड़ी का है, लकड़ी लिखे गिरत लकड़ी। चलिए अब जिला अस्पताल की तरफ बढ़ते हैं। हमने आपको पानी टंकी चौराहा के पास दिखाया, यहाँ भी कोई लकड़ी, सरकारी लकड़ी नहीं मिली। अब हम आ गए विजयपुर चौराहा। नमस्कार, क्या हाल चाल है? हाँ हाँ, तो विजयपुर चौराहे के पास हम लोग आ गए। अब यहाँ देखते हैं कि अलाव कहाँ जल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका विजयपुर चौराहा है, इस चौराहे पर भी कहीं अलाव नहीं जल रहा है। ये वैसे जिला अस्पताल महिला अस्पताल की तरफ जाने वाला मार्ग है। चलिए, पूरा शायद ये कोई आग जल रहा है। आइए,
ये भी लगता है कूड़े में आप लोग आग लगाए क्या? लकड़ी कहाँ से लाया ये? अपने घर से लाए हैं। घर से लाए हैं तो सरकारी लकड़ी नहीं आई? नहीं आई होगी। नहीं आई है। नहीं आई है? अरे मजाक मत करिए, आई है। नहीं आई है। अरे कैसे नहीं कर रहा है? अभी लोग नहीं रहा साहब। वो कहाँ का है वो लकड़ी? घर से लाए हैं। घर से लाए हैं। अब आइए माई, शक्ति दो माँ, ऊर्जा दो। तो आज की पैदल यात्रा पद यात्रा सुबह 7 के आसपास हो रहे हैं, अब तो अधिक समय हो गया होगा। हम जिला अस्पताल की तरफ बढ़ रहे हैं। सरकार का ये साफ है कि अलाव की व्यवस्था प्रशासन, बलिया के प्रशासन जो है करे, ताकि ठंड से कोई ना मरे, क्योंकि ठंड से राहत अलाव ही दिला सकता है। लेकिन सरकारी लकड़ी न गिनने के कारण एक गंभीर समस्या बनी हुई है। आइए जिला अस्पताल के नए भवन की तरफ हम चल रहे हैं। यहाँ देखा जाए क्या व्यवस्था है अलाव की। अब देख लीजिए जिला अस्पताल की ये व्यवस्था है, कहीं अलाव आपको दिखाई दे रहा है? ये देख लीजिए, यहाँ अंदर मरीज हैं, ठंड के मारे बाहर नहीं निकल रहे हैं क्योंकि अलाव तो जल नहीं रहा है यहाँ। देख लीजिए आप, कहीं कोई अलाव की व्यवस्था नहीं। अब हम पुराने वाले अस्पताल की तरफ बढ़ते हैं, इमरजेंसी जहाँ है। कहाँ से लकड़ी आई है? ये बरगद यहीं पे कटा था, वहीं पे से छटा हुआ लकड़ी है। नगर पालिका की तरफ से लकड़ी नहीं आई? लकड़ी नहीं, कभी नहीं गिरता है यहाँ पे। चलिए जिला अस्पताल के अंदर चलते हैं, यहाँ देखते हैं अलाव की क्या व्यवस्था है सरकार की तरफ से। अब हम आ गए जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड यानी भवन के सामने। हाँ, यहाँ एक मिल गया। ये सरकारी लकड़ी मिल गई। ये लकड़ी कब से जल रही है? लकड़ी कल से जल रही है। कौन लाया था ये? किस लिए? पता नहीं, हमको बोल रहा था वो। क्या लकड़ी उसने ला के दिया है? चलिए जिला अस्पताल परिसर में अलाव की व्यवस्था देखी गई। बाकी चित्तू पांडे चौराहा से लेकर जिला अस्पताल के बीच एकमात्र सरकारी लकड़ी देखने को मिला। बाकी किसी तरीके से लोग जुगाड़ से, कोई प्लास्टिक जला के, कोई कूड़ा जला के, कोई इधर उधर से लकड़ी बटोर कर अलाव से राहत लेता रहा। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक लेते हैं, जुड़े रहें हमसे, देखते रहें बलिया आजकल। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।